आत्म विकास एवं जीवन परिवर्तन की यात्रा सहज है अथवा कठिन है, ये सब हमारे उत्साह पर निर्भर करता है। यदि हम उत्साहित, प्रेरणा युक्त हैं, एक्साइटेड हैं, तो कठिन समस्या को भी काटते हुए आगे चलते जाएंगे। और यदि हम निरुत्साहित हैं, तो छोटी सी बाधा भी एक पहाड़ के समान दुर्गम प्रतीत होगी। देखिए, 100 वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में गांव में ट्रैक्टर नहीं होते थे, खेती बैलों के माध्यम से होती थी, तो गाय बैल का मेला लगता था। अब वहां पर तमाम बैल मेले में बैठे हुए, ग्राहक किसान आता है, वो कैसे जाने कौन सा बैल कर्मठ होगा? कुछ चेहरे पे तो लिखा नहीं। किसान पीछे से जाकर बैल के पूंछ में लात मारता था। यदि बैल बैठा रहे, किसान सोचता था ये बेकार है, किसी काम का नहीं, और यदि बैल उठ जाए तो किसान सोचता था हां इसमें शक्ति है, ये जरूर मेहनत करेगा। इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। भाई देखो, तीन प्रकार के लोग इस मार्ग में चलते हैं। एक मृदु, अरे हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। एक मध्य, परिश्रम करो लेकिन बाधा आ गई, अब क्या करें। और तीसरा, जो उत्साह युक्त चलते हैं, वो कहते हैं अरे भाई ठीक है, बाधा आई तो क्या हो गया, हम और परिश्रम करेंगे। तो प्रेरित होने का मतलब हम जहां आज अपने को पाते हैं एवं जहां हम होना चाहते हैं, ये गैप हमारे लिए असहनीय बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन परिवर्तन हेतु। एक ऐसी कथा आती है कि मिश्र का बुद्ध व्यक्ति, ग्रीस का वाइज मैन सुकरार्त, उसके पास एक आदमी गया और आदमी ने कहा, महाराज मैं आत्म परिवर्तन कैसे करूं, अपना सुधार कैसे लाऊं। सुकरात उसको नदी ले गए, चलो स्नान करते हैं। सुकरात ने डुबकी लगाई, उस आदमी ने भी लगाई, लेकिन सुकरात जल्दी निकल आए और उस आदमी के सिर को पानी के नीचे दबाए रखे। अब वो व्यक्ति घबरा गया, भाई ये हो क्या रहा है, 25 सेकंड निकले उसको लगा मैं घुटन हो रही है, 40 सेकंड निकल गए उसको लगा अब मैं मरा, अब मैं मरा। एक मिनट के बाद सुकरात उसका सिर छोड़े वो बाहर आया। सुकरात ने कहा क्या हुआ? अरे महाराज, एक क्षण और आप मुझे पानी के नीचे रखते, मेरे प्राण शरीर से निकल जाते। सुकरात ने कहा ये है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या करने से जीवन परिवर्तन होगा, उसका उत्तर ये है, जब तुमको लगेगा कि अब यदि परिवर्तन नहीं आया, मेरा जीवन मृत्यु से भी बदतर है, तब जाकर चेंज आएगा। तो हम विभिन्न साधनाएं करते हैं, किंतु वो सब साधनाओं का परिणाम क्या होता है, उसके माध्यम से हमारे अंदर एक लालसा जागृत हो जाए। हमने खूब योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा किया, लेकिन लालसा नहीं पैदा हुई, सब व्यर्थ है। एक व्यक्ति रहता था उड़ीसा के पश्चिमी भाग में और उसकी इच्छा हुई बेचारे गरीब की कि मैं
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने जाऊंगा इस वर्ष, पूरी प्लानिंग की। किंतु जब समय आया घर में एक समस्या उत्पन्न हो गई, उसका प्रोग्राम कैंसल हो गया। बेचारा बहुत दुखी हुआ, अगले साल के लिए वो योजना बनाता चला गया। किंतु जब समय आया तो फिर से उसका प्लान कैंसिल हो गया। ऐसे करते करते जब 40वें वर्ष लगातार उसकी जगन्नाथ जी के दर्शन और रथ यात्रा का में भाग लेने की स्कीम फेल हो गई, वो फूट फूट के रोने लगा। एक पंडित जी ने उसको देखा और कहा, भैया तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? उसने कहा, महाराज 40 साल लगातार मैंने प्लानिंग की कि रथ यात्रा में जाकर भाग लूंगा, हर बार कोई समस्या आ जाती है, लगता है जगन्नाथ जी की कोई कृपा नहीं है मेरे ऊपर। पंडित जी ने कहा, जगन्नाथ जी की इतनी कृपा है क्या बताएं, मैं पिछले 40 वर्ष से लगातार रथ यात्रा में भाग लेने पूरी जाता हूं, लेकिन वो 40 तीर्थ यात्राओं का फल तुम ले लो, और तुम्हारे अंदर जो लालसा है वहां जाके दर्शन करके भाग लेने की मुझे दे दो। ये लालसा को हमें उत्पन्न करना है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने फिर से कहा, तीव्र संवेगनामासन्न, अरे मनुष्यों तीव्र इंस्पिरेशन के साथ, उत्साह के साथ प्रयत्न करो। तो अपने अंदर हम उत्साह कैसे जागृत करेंगे, इसके सूत्र को हम अगले एपिसोड में जानेंगे।